झारखंड के गुमला में नक्सली लगातार आईईडी ब्लास्ट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला गुमला सदर थाना क्षेत्र का है, जहां आईईडी की चपेट में आने से 27 वर्षीय महेंद्र महतो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जहां एसीपी की पहल पर हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें इलाज के लिए रांची भेजा गया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ का एक जवान भी गंभीर रूप से घायल हुआ था। ब्लास्ट के माध्यम से महेंद्र महतो का पैर में गंभीरतापूर्वक बहुत ज़्यादा जख्म हुआ है, जिस पर सरकार की ये लापरवाही के कारण जो है जंगल क्षेत्र में किसान मजदूर को जो है इसमें गाय बकरी चलाने के लिए काफ़ी दिक्कत हो रहा है। इसलिए मैं ये सरकार से मांग करता हूँ कि तत्काल जहाँ पर बम ब्लास्ट हुआ है उसको जो है उच्च स्तरीय जाँच किया जाए और उस पर जो है प्रशासन। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजीत जी जुड़ गए हैं। जी अजीत, गुमला से बम ब्लास्ट की खबर आ रही है, क्या कुछ अपडेट है? जी बता दूं मैम कि इधर गुमला जिला में नक्सलियों का तांडव लगातार देखा जा रहा है मैम जी। और जो घने जंगल है वहाँ पे नक्सली अपना जो है सो सेफ जोन मान करके एक बसेरा बना लिए हैं, और अपने सुरक्षा को देखते हुए आसपास एरिया में आईडी को माने आईडी को लगा कर रखे हुए हैं अपनी सुरक्षा को लेकर के। जो किसी भी तरह की अगर पुलिस की मूवमेंट होता है, किसी भी तरह की कार्रवाई होती है तो उनकी सूचना जो है उनको मिल जाए जी। वही अभी फिलहाल आईडी ब्लास्ट में एक महेंद्र महतो जो है तो किसान है, वो पशु चराने के लिए गया था जंगल में जी। इसी बीच जो है उसका चपेट में आ गया था जी। और वो बुरी तरह से घायल है। हालांकि इस पे एसपी हरदीप सिंह जनार्दन ने पहल की है और उनको 20,000 रुपया मुआवजे के तौर पे दिया है और उनको बेहतर से बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स भेजा है हेलीकॉप्टर से, और तमाम जो भी सुविधाएं हैं इस दौरान उनको पुलिस प्रशासन के द्वारा उनको मुहैया कराया जाएगा जी। अजीत, इस पहली घटना नहीं है, गुमला की बात करें या झारखंड की बात करें, लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। अभी चाईबासा के पास जो एक जंगल है वहाँ पे, गुदड़ी का जो जंगल कहा जाता है, वहाँ पर भी 22 केन बम बरामद किया गया है। निशानदेही पर एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया था, माओवादी को, उसके निशानदेही पर बरामद किया गया। उसके पहले गुमला में ही अभी पिछले 2 दिनों पहले एक घटना घटी थी जहाँ पर मौत हो गई थी। उसके अलावा लगातार नक्सलियों के बिछाए बम मिल रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, लगातार बार बार नक्सलियों पर लगाम लगाने की कोशिश की जाती है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन पुलिस का जो खुफिया तंत्र है पूरी तरह से फेल नजर आता है हर मौके पर जी। अजीत जी, यहाँ पे जी बस बता दूं कि यहाँ जो जो जंगल है, घने जंगल में ये लोग जो जैसे ही पुलिस प्रशासन जो यहाँ पे पहुंचते हैं और वहाँ पे जो नक्सलियों के द्वारा जो आईडी जो जगह जगह लगा करके रखा गया वो सेफ जोन तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी अहम ये बात इसको ये दर्शाता है कि जो पुलिस प्रशासन का जो खुफिया तंत्र है वो फेल नजर आता है, क्योंकि हर गांव हर ग्रामीण क्षेत्र में एक चौकीदार का बहाली भी किया गया है, लेकिन मैंने एक घटना घट जाती है और जो है सो वहाँ जो प्रशासन है उनको सूचना नहीं मिल पाता है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया अजीत इस जानकारी के लिए, नजर बनाए रखें फिर से। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि गुमला में आईडी ब्लास्ट होने के कारण एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।